A very good morning to all of you. Welcome to the online classes organized by DRRP Convent School. My name is Pragati Divedi and I am here to take your English classes. Today we will start a new chapter, that is chapter number 6, Expert Detectives of our English Literature. So before starting the chapter, let's get to the introduction first. Nishad. Nishad is a boy of 7 years, or you can say उसका नाम सेवन भी है, उसे सेवन भी बुलाया जाता है, ऑल्सो कॉल्ड सेवन बिकॉज हिज नेम मीन्स द सेवन्थ नोट ऑन द म्यूजिकल स्केल. म्यूजिकल स्केल की जो सेवन्थ नोट होती है वो भी निषाद होती है, इसलिए उसे सेवन भी लोग कह के बुलाते हैं. एंड हिज 10-year-old सिस्टर माया, और उसकी 10 साल छोटी बहन माया की स्टोरी है. They are, one day what happens, they both are very curious about their neighbor Mr. Nath. जो दोनों बच्चे हैं सेवन, निषाद और माया, वो दोनों बहुत ही ज़्यादा curious हैं, means इच्छुक है क्या जानने के, अपने neighbor जो हैं उनके Mr. Nath, उनके बारे में जानने के लिए. Then one day the children's marble rolls into Mr. Nath's room and निषाद gets a chance to see him. एक दिन क्या होता है कि बच्चे खेल रहे होते हैं और उनका जो मार्बल है वो रोल करके मिस्टर नाथ के कमरे में चला जाता है, और निषाद को मौका मिल जाता है कि वो मिस्टर नाथ के रूम में जाके देख सके उनको. इज ही अ क्रूक ऑन द रन? व्हाई इज हिज फेस बैडली स्कैर्ड? व्हाई हैज ही नो फ्रेंड्स? निषाद्स मदर अ डॉक्टर नोज मिस्टर नाथ एज अ पेशेंट हु इज वेरी पोलाइट. तो बच्चों के मन में क्या क्यूरियोसिटी है कि क्या जो मिस्टर नाथ हैं वो कोई क्रूक पर्सन है? क्यों उनके फेस पे बैडली स्कर्ड मीन्स धब्बे हैं, फेस पे बहुत सारे धब्बे क्यों हैं? क्या वो क्या कहते हैं उनके पास कोई फ्रेंड क्यों नहीं है? वो इतने अकेले क्यों रहते हैं? तो ये सारी बातें जानने के लिए वो क्यूरियस रहते हैं. और जो निषाद की मदर हैं वो एक डॉक्टर हैं जो कि मिस्टर नाथ को जानती हैं कि वो एक बहुत ही ज़्यादा पोलाइट पर्सन है. ओके, सो दिस story is about the two children, Nishad and Maya, and a neighbor whose name is Mr. Nath. So let's start the story. As we walked back towards the clinic, Seven said, "He doesn't look anything like a monster, Maya. But did you see how thin he is? Maybe he is very poor and can't afford to eat." तो जैसे ही क्लिनिक की तरफ बढ़ते हैं सब वो लोग, सेवन क्या बोलता है, ही डजंट लुक एनीथिंग लाइक अ मॉन्स्टर, वो एक मॉन्स्टर की तरह दिखते हैं, और वो बहुत ही, तुमने देखा कि वो कितने ज़्यादा दुबले हैं. तो माया क्या कहती है, ही इज़ वेरी पुअर, मे बी उनके पास में कुछ खाने का नहीं है और वो बहुत गरीब हैं. ही कांट बी पुअर इफ़ ही इज़ अ क्रूक ऑन द रन. लेकिन माया क्या कहती है, वो पुअर नहीं हो सकते, अगर वो एक दुष्ट आदमी है तो वो गरीब कैसे हो सकते हैं. ही इज प्रोबेबली गॉट मिलियंस ऑफ रुपीज स्टैश्ड अवे समवेयर इन दैट रूम. स्टैश्ड अवे मीन्स हिडन अवे, छुपाया हुआ है. वो तो माया क्या कहती है कि प्रोबेबली उनके पास जरूर बहुत सारे पैसे हैं जिसे कि उन्होंने अपने रूम में कहीं छुपा के रखा हुआ है. डू यू रियली थिंक ही इज अ क्रिमिनल, माया? निषाद क्या पूछता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो कोई क्रिमिनल है? ही डजंट लुक लाइक वन. निषाद लुक्ड डाउटफुली, वो निषाद मिस्टर नाथ की तरफ देख के संदेह करते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये एक क्रूक है या कोई क्रिमिनल है? वो तो मुझे ऐसे नहीं लगते हैं. ऑफ कोर्स ही इज वन, सेवन आई सेड. तो माया जो है वो क्या कहती है, हाँ बिल्कुल वो एक क्रूक पर्सन है, वो एक दुष्ट आदमी हैं. एंड ही सर्टेनली इजंट स्टार्विंग. मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट रमेश ब्रिंग्स हिज मील्स अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स. और मिस्टर मेहता कौन है, मिस्टर मेहता एक नेबर हैं जो कि बताते हैं रमेश, रमेश एक रेस्टोरेंट में काम करने वाला वर्कर है जो उनके लिए मील्स मीन्स खाना लेके आता है. स्टार्विंग, स्टार्विंग मीन्स क्या होता है, भूख से मरना. तो माया वही कहती है कि मुझे तो नहीं लगता कि ये भूख से मर रहे हैं, क्योंकि मिस्टर नाथ जो हैं उन्हें प्रॉपर मील डिलीवर की जा रही है, रमेश डेली उनके लिए
मील लेके रेस्टोरेंट से आता है, खाना लेके रेस्टोरेंट से आता है. बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डजंट वर्क एनीवेयर. लेकिन माया, मिस्टर मेहता ने तो हमें ये भी बताया था कि वो कहीं काम नहीं करते हैं. सो हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड, निशात सेड. तो उनके पास इतने पैसे कहाँ होंगे कि वो फूड के लिए, खाना खरीदने के लिए, ये खाना मंगाने के लिए पैसे पे कर सकें. मीन्स पैसे तो उनके पास होंगे नहीं, क्योंकि वो कोई काम नहीं करते, तो उनके पास पैसे कहाँ से आएंगे कि वो खाना खा सकें. निशात कहता है एग्जैक्टली आइसक्रीम. तो जो माया है वो कहती है बिल्कुल सही, ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेयर, मे बी इन दैट ट्रंक इन हिज रूम, इट्स प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड एंड ज्वेल्स एंड. ऐसा कहते हुए माया को रुक जाती है. माया क्या बोलती है कि एग्जैक्टली मैं यही कह रही हूँ कि उनके वो कोई काम नहीं करते हैं, लेकिन पक्का उनके पास में बहुत सारे पैसे छुपा के उन्होंने अपने कमरे में कहीं रखे होंगे, या जो बड़ा सा ट्रंक उनके रूम में रखा हुआ है, बक्सा रखा हुआ है, उसमें वो बहुत सारे गोल्ड, सोना, चांदी और ज्वेलरीज वगैरह छुपा के रखे होंगे. ऐसा बोल ही रही होती है, तब तक वो निषाद उसे रोके हुए कहते हैं व्हाट रविश, क्या बकवास है ये. आई नो आई एम राइट स्टूपिड आई टोल्ड हिम. माया क्या कहती है, मुझे पता है कि मैं सही हूँ. बाय द वे सेवन, डिड यू सी हिज स्कार्स. फिर माया उस सेवन से पूछती है, सेवन कौन है, निषाद, अपने ब्रदर से पूछती है कि क्या तुमने उसके फेस पे, जो मिस्टर नाथ है उनके फेस पे स्पॉट्स देखे, स्कार्स देखे, दाग देखे, धब्बे देखे. आई कुडंट, इट वॉज टू डार्क, बट आई बेट ही गॉट देम ड्यूरिंग अ शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग. माया क्या कहती है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पक्का ये बहुत ज़्यादा डार्क हैं और मैं श्योर हूँ कि ये जब भागते टाइम, पुलिस से बचते टाइम, या उनके हाथापाई हो गई होगी इनकी, या पुलिस ने इनको शूट किया होगा, उसी के ये निशान इनके फेस पे प्रेजेंट हैं. मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वर बर्न स्कार्स, निशात सेड फर्मली. निशात कहता है कि मम्मी ने हम लोगों को क्लियरली ये बात बता दी है कि जो मिस्टर नाथ के फेस पे स्कार्स हैं वो बर्न स्कार्स है, मीन्स जलने के निशान हैं. Perhaps the police had to set his house on fire to force him out, I suggested. Seven looked unsure. फिर माया कहती है, हो सकता है कि पुलिस ने उनके घर को आग लगा दी हो जिससे कि मिस्टर नाथ बाहर आ जाएं और वो उन्हें पकड़ सके. तो मिस्टर नाथ की ये इसलिए ये स्टेटमेंट सुन के जो सेवन है वो अनश्योर लगता है, मीन्स उसे इन सब बातों पर बिलीव नहीं होता है. On the Monday, following mama's birthday, seven went alone with her to the clinic at Girgaon as I was spending the evening with a school friend. When they returned, Nishat told me he had been to see Mr. Nath and I felt most annoyed that I had not been there. Monday ko kya hota hai, mummy ke unke mama's ka birthday hota hai, uske baad hi seven clinic pe akela jata hai apni mummy ke sath mein. Us din माया उसके साथ में नहीं जाती है, और वहाँ क्योंकि उसी जो माया है वो अपनी स्कूल फ्रेंड के साथ में इवनिंग स्पेंड कर रही होती है, तो निशाद अपनी मदर के साथ उनके क्लिनिक जाता है और माया अपने फ्रेंड के साथ स्टे करती है. जब निशाद वहाँ से लौट के आता है क्लिनिक से, तो वो माया को बताता है कि उसे आज फिर से मिस्टर नाथ को देखने का मौका मिला, और माया बहुत ज़्यादा अनॉयड, मीन्स गुस्सा, ऐसे चिड़चिड़ी होकर बोलती है कि मैं, काश कि मैं भी वहाँ पर होती. Seven had been quite upset about Mr. Nath's gaunt appearance and was sure that he was starving. He told me that he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath." Seven थोड़ा upset था Mr. Nath के दुबले पतले शरीर को देख के. Gaunt appearance means जो दुबला पतला शरीर या बीमार शरीर को देख के वो बहुत ही ज़्यादा क्या था, upset हो गया था, उस शांत शान से दुखी हो गया था कि पक्का उनके पास में खाने के लिए पैसे नहीं हैं और वो भूख से मर रहे हैं, तभी वो इतने ज़्यादा कमज़ोर हैं. और उसने माया को बताया कि वो शाम को मिस्टर नाथ के डोर के घर पे गया था और उनके डोर को नॉक किया था, मतलब दरवाज़ा खटखटाया था. उसके बाद क्या होता है, द मैन हैड ओपेंड इट एंड आस्क्ड हिम लॉस्ट अनदर मार्बल. और जो मिस्टर नाथ हैं, जब सेवन जो है वो डोर नॉक करता है उनका, तो मिस्टर नाथ दरवाज़ा ओपन करते हैं, डोर ओपन करते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या फिर से तुम्हारा कोई मार्बल घूम गया. ही हैड ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज्ड माई ब्रदर, वो मेरे भाई को
पहचान गए थे. नो सेड निषाद. निषाद कहते नहीं. ही हैड टेकन द मैनस हैंड इन हिज ओन एंड थ्रस्ट अ बार ऑफ चॉकलेट इनटू इट. तो निषाद क्या करता है, जब मिस्टर नाथ डोर ओपन करते हैं तो वो उनका हाथ अपने हाथ में लेता है और उनके हाथ पे एक चॉकलेट रखता है. डिड यू गेट अ चांस टू पीक इन टू द ट्रंक सेवन आई आस्क्ड. तो माया पूछती है क्या तुम्हें ट्रंक के अंदर देखने का मौका मिला कि ट्रंक में उन्होंने क्या छुपा के रखा हुआ है. निषाद लुक डिसअपॉइंटेड. निषाद बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड लुक हो रहा, मीन्स उसे बहुत दुखी हो रहा था, वो खुश नहीं था. ही डिडेंट इवन आस्क मी इन ही सेड. निषाद कहता है कि उन्होंने मुझे अंदर आने के लिए भी नहीं कहा. मीन्स उसे बहुत दुख हुआ कि वो गया खुद से, फिर भी मिस्टर नाथ ने उन्हें एक भी बार अंदर आके बैठने या बोलने को भी नहीं कहा. देन ही स्माइल्ड. फिर वो मुस्कुराया. बट आई डिड फाइंड आउट समथिंग. लेकिन मैंने कुछ पाया माया. आई वेंट डाउन टू द रेस्टोरेंट वेयर रमेश वर्क्स एंड टॉक टू हिम. उसने बताया कि मैं नीचे उस रेस्टोरेंट में गया था जहाँ से रमेश उनके लिए खाना लाता है और मैंने उससे बात भी की. गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव आई से पैटिंग ऑन द बैग. आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली. तो जो माया है वो अपने भाई की पीठ थपथपाते हुए कहती है गुड फॉर यू, बहुत अच्छा काम किया तुमने मिस्टर डिटेक्टिव. आई होप कि तुमने बहुत अच्छे से क्वेश्चन किया होगा, मीन्स तुमने बहुत अच्छे से तहकीकात की होगी मिस्टर नाथ के बारे में. सेवन लुक्ड प्लीज्ड. सेवन को बहुत ही ज़्यादा खुशी भी से होता है अंदर से खुश होना. कोई आपकी सराहना करता है, आपको प्लीज करता है, आपकी तारीफ करता है. तो रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स टू मील्स फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड टू कप्स ऑफ टी वन इन द. निषाद सेड कि रमेश ने उसे बताया कि वो मिस्टर नाथ के लिए दो मील्स लेके जाते हैं, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग के लिए, और दो टी वो लेते हैं एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में. रमेश सेज ही इज़ नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट वॉट ही ईट्स. इट्स ऑलवेज द सेम फूड, टू चपातीज सम दाल एंड अ वेजिटेबल. और रमेश ने ये भी बताया कि वो फूड को लेके बहुत ही ज़्यादा चूजी या पर्टिकुलर नहीं है कि उन्हें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड या ये खाना या नहीं खाना है. वो सेम डाइट रेगुलरली लेते हैं जिसमें दो चपातीज होती हैं, एक दाल होती है और एक सब्जी. मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल एंड. और फिर क्या क्या होता है कि जो रमेश है वो ये भी बताया कि जो मिस्टर नाथ हैं वो पेमेंट कैश में करते हैं और साथ ही साथ टिप भी देते हैं. रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज माया. फिर रमेश जो निषाद है वो क्या कहता है कि रमेश ने मुझे एक और चीज़ बताई जो कि बहुत ही स्ट्रेंज है. स्ट्रेंज मीन्स अद्भुत है. सेवन एडेड ऑलमोस्ट एवरी संडे. हर संडे को ही कैरीज टू लंचेस टू मिस्टर नाथ रूम. जो रमेश है वो हर संडे को दो लंच लेके आता, मीन्स दो मील लेके, दो लोगों का खाना लेके आता है मिस्टर नाथ के रूम में. एंड सेम मैन इज विद हिम ईच टाइम. और हर बार हर संडे को लंच में मिस्टर नाथ के सामने सेम पर्सन ही होता है. ही इज टॉल फेयर स्टट एंड वियर्स सम स्पेक्टिकल्स. तो जो मिस्टर नाथ के साथ में एक अनदर स्ट्रेंज पर्सन रहता है, स्ट्रेंजर रहता है, उसके लुक को रमेश डिफाइन करता है कि वो टॉल है, फेयर है, स्टट है, स्टट मीन्स रूढ़ टाइप का है, रूढ़वादी टाइप का है, और साथ ही साथ वो स्पेक्टिकल्स चश्मे भी पहनता है. रमेश सेज हिज विजिटर टॉक्स अ लॉट. रमेश कहता है कि जो के विजिटर हैं जो मिस्टर नाथ के घर में आते हैं हर संडे को लंच पे, वो बहुत ज़्यादा बात करते हैं, जबकि मिस्टर नाथ क्या है, एक क्वाइट पर्सन है, वो बहुत मुश्किल से ही कभी कुछ बोलते हैं. वेल डन निषाद आई टोल्ड हिम. मैंने निषाद को अप्रिशिएट किया दैट वेल डन, तुमने बहुत अच्छा काम किया. नाउ दैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विथ आर इंक्वायरीज वील हैव टू सॉर्ट आउट ऑल द फैक्ट्स लाइक एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स सो दैट वी कैन ट्रैप द क्रूक. तो माया अब क्या बोलती है कि जब हमने इतने सारे प्रोग्रेसेस कर ली हैं अपनी इंक्वायरी में, मतलब हमने अपनी इंक्वायरी में प्रोग्रेस की है, उसमें बढ़त की है, हम आगे बढ़ रहे हैं अपनी इंक्वायरी में, तो हमें और भी फैक्ट्स को क्लियर करना होगा जैसे कि एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स करते हैं, जिससे कि हम क्रूक जो दुष्ट आदमी है उन्हें क्या कर सकें, ट्रैप कर सकें, अपनी जाल में फंसा सकें. हाउ डू यू गो ऑन माया. तुम ऐसा कैसे करोगी सेवन साइड. हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज़ अ क्रूक. ही लुक्स सो ऑर्डिनरी.
तो जो निषाद है वो कहता है कि तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो, कैसे इमेजिन कर सकती हो कि वो एक क्रुक है, एक क्रिमिनल है, जबकि वो एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह ही दिखते हैं। क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी, स्मार्टी आई रिपोर्टेड। तो जो माया है वो क्या कहती है कि क्रिमिनल्स जो हैं वो ज्यादातर कैसे दिखते हैं, ऑर्डिनरी पीपल की तरह ही होते हैं। डिड यू सी द पिक्चर ऑफ द हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन दी पेपर यस्टरडे, ही लुक्ड लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट। निशाद लुक्ड अप फुल। माया है वो बोलती है कि जितने भी ये क्रूक्स और क्रिमिनल्स होते हैं वो ऑर्डिनरी पर्सन की तरह ही होते हैं, कुछ स्पेशल नहीं होते हैं। क्या तुमने कल के न्यूज़पेपर में एक क्रिमिनल को नहीं देखा था जो हैदराबादी क्रिमिनल था, वो भी एक सड़क पे चलता हुआ आम आदमी ही लग रहा था। द मानसून्स ब्रोक द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे से क्या हुआ, मानसून आ गया, मीन्स बहुत तेज बारिश हो रही थी। डार्क क्लाउड्स अकम्पेनिंग बाई बाइंडिंग ब्लाइंडिंग फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग देयर फरी and rolling rolls of the thunder burst with all their fury, flooding the streets with a heavy downpour. तो क्या हुआ, मानसून आ गया, घने बादल के साथ साथ बिजलियाँ भी कड़कने लगी थी और ऐसा लग रहा था कि पूरे बादल में कोई रोल कर रहा है, इतनी तेज कड़ाके की बिजलियाँ कड़क रही थी और इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि जो स्ट्रीट्स थी वो पूरा क्या हो गई थी, फ्लडेड हो गई थी, मीन्स पानी से भर गई थी। स्कूल वॉज टू हैव री ओपेंड आफ्टर द समर हॉलीडेज but no traffic could move through the flooded roads and there was an unexpected holiday. तो क्या था, समर वैकेशंस के बाद स्कूल उस दिन खुलने वाला था लेकिन इतने ज़्यादा बारिश की वजह से कोई भी साधन रोड पे नहीं चल रहा था। तो क्या हुआ, there was an unexpected holiday, मतलब कि बिना कोई एक्सेप्शन के, मीन्स बिना किसी वजह की छुट्टी हो गई उस दिन। आई थॉट आई वुड स्पेंड द टाइम यूजफुली। तो उसने क्या सोचा, माया ने सोचा कि मैं इस टाइम को थोड़ा यूटिलाइज करूँ, यूज करूँ। आई सैट एट माई डेस्क इन आ बेडरूम विद अ शीट ऑफ पेपर बिफोर मी। और वो क्या करती है, अपने बेडरूम में एक शीट पेपर के साथ में बैठ जाती है। सुनाओ, व्हाट हैपेंड इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। आई रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर्स, वो लार्ज मतलब बड़े बड़े लेटर्स में कुछ चीज़ें लिखती है। कैचिंग अ क्रूक, हेडिंग क्या होती है उस पेपर में, कैचिंग अ क्रूक मीन्स एक क्रिमिनल को पकड़ते हुए। एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स, एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स कौन कौन है, निषाद एंड माया पंडित। बाय अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड मीन्स इसको इन्हें, ये जो डिटेक्टिव्स हैं इन्हें किसने अपॉइंट किया है, पूरी दुनिया ने अपॉइंट किया है। मीन्स ये लोग जो माया है उसने अपने इस टाइम को यूटिलाइज करने, किसने यूटिलाइज किया, इसने ये जो टाइम है इसको यूजफुल बनाने के लिए क्या किया, मिस्टर नाथ पे रिसर्च स्टार्ट कर दी कि मिस्टर नाथ को वो किस तरीके से फाइंड आउट करेगी कि वो एक क्रिमिनल है। देन आई बिगेन राइटिंग, फिर वो लिखना स्टार्ट कर दी। अबाउट हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे बाद, आई टर्न टूवर्ड सेवन, मैं सेवन की तरफ घूमी, हु वॉज लाइंग ऑन द टमी, चिन कप्ड इन हिज पाम, रीडिंग कॉमिक्स। चिन कब इन हिज पाम मीन्स अपने चिन पे, गाल पे, अपने हथेलियों को जैसे हाथ रख के ऐसे बैठ के उस पेट के बल, और वो क्या कर रहा था, कॉमिक बुक पढ़ रहा था, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं। तो माया उसकी तरफ घूमती है और कहती है, वॉन्ट टू हियर वॉट आई हैव रिटन, क्या तुम सुनना चाहोगे कि मैंने क्या लिखा है। ही लुक्ड अप क्वेश्चनिंगली, तो जो निषाद है वो माया की तरफ क्वेश्चनिंगली, क्वेश्चनिंगली मीन्स अचंभित हो गए कि मतलब ये क्या लिखी है। ऐसे जैसे होता है ना, इंसान पलट के पूछता है कि हाँ मैं जानना चाहूँगा। आई हैव लिसेंड ऑल द फैक्ट्स वी नो अबाउट मिस्टर नाथ, और फिर निषाद है वो कहता है कि मैंने सारे ही फैक्ट्स मिस्टर नाथ के बारे में सुन चुका हूँ। और माया उसे बताती है कि जितने भी तुमने फैक्ट्स सुने हैं उन सारे फैक्ट को मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किया है, मीन्स इस पेपर पे लिखा है, क्या तुम उसे सुनना चाहोगे। सेवन नॉडेड। फैक्ट नंबर वन, तो सेवन क्या करता है, अपना सर हिलाता है। तो फैक्ट नंबर वन क्या बताती है माया, आई रेड हिज नेम इज मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम। तो जो माया है उसका फर्स्ट फैक्ट क्या होता है कि हमें उसका सरनेम तो पता है, टाइटल तो पता है कि वो मिस्टर नाथ है, बट उनका फर्स्ट नेम क्या है ये हमें फाइंड आउट करना है। Do you think that's his real name, Maya? Nishad asked. Nishad पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि वो उनका real name है? Probably not.
I said, most crooks have an alias. I added a big question mark after none. तो जो जब निशात पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि उनका रियल नेम है, तो माया कहती है नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ये उनका रियल नेम हो सकता है, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द क्रूक्स क्रिमिनल्स होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी क्या करते हैं, छुपा के रखते हैं, और फिर वो नाथ के बाद बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा देती है. नाउ द फैक्ट नंबर टू इज आई रीड ऑन द टेनेंट्स एट शंकर हाउस सेज ही इज मैड स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली. जो शंकर के हाउस में टेनेंट्स थे, मीन्स जो लोग थे, उनका बताना था या जो चीन लोग रहा करते थे उनका कहना था कि जो मिस्टर नाथ हैं वो क्या हैं, पागल हैं और अद्भुत, स्ट्रेंज मीन्स अद्भुत हैं और अनफ्रेंडली है, मीन्स किसी से जल्दी दोस्ती वगैरह नहीं करते हैं. नंबर थ्री, द फैक्ट नंबर थ्री इज ही डजंट टॉक टू एनी वन एंड इज मैनरलेस. वो किसी से बात नहीं करते हैं और उनके अंदर कोई भी मैनर्स नहीं है. मैनर्स लेस क्यों है, क्योंकि वो कोई उनके घर में आता है तो वो उसे अंदर आने के लिए नहीं बोलते हैं या किसी से ढंग से अच्छे से बात नहीं करते हैं. बट ही डिड नॉट टॉक टू अस. माया एंड मम्मा सेज ही इज़ वेरी पोलाइट. निशाद इंटरप्टेड. लेकिन निशाद माया को रोकते हुए बोलता है कि माया, लेकिन उन्होंने तो हमसे बात की है. बट ही डिड टॉक टू अस, उन्होंने हमसे बात की है. और मम्मा भी ये कहती है कि वो बहुत ही ज़्यादा पोलाइट हैं, तो तुम कैसे कह सकती हो कि वो किसी से बात नहीं करते और वो मैनरलेस हैं. ही ओनली टॉक्ड टू अस बिकॉज ही हैड टू. आई सेड, माया कहती है उन्होंने हमसे बात सिर्फ इसलिए की क्योंकि उन्हें करनी पड़ी. एंड सिंस ही वॉज अंडर मम्माज मेडिकल ट्रीटमेंट ही हैड टू बी पोलाइट. और क्योंकि वो मम्मा के ट्रीटमेंट के, मतलब मम्मा के पेशेंट है, उनका ट्रीटमेंट मम्मा के अंदर में चल रहा है, तो उन्हें पोलाइट रहना पड़ता है, इसलिए वो पोलाइट हैं. फैक्ट नंबर फोर, ही डजंट रिसीव एनी लेटर्स. सेवन नॉडेड. फिर सेवन हाँ सर हिलाता है. माया कहती है कि उन्हें पास कोई लेटर भी नहीं आता है, जैसे उनके कोई फैमिली होंगे, फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, ना उसके पास कभी किसी का लेटर आया, ना ही कोई फ़ोन कॉल, कुछ भी नहीं आया. नंबर फाइव, ही इज बीन लिविंग इन रूम 10 ऑफ शंकर हाउस फॉर मोर देन अ ईयर. आई कंटिन्यू. नंबर सिक्स, ही डजंट वर्क एंड सिट्स इन हिज रूम ऑल डे. तो माया अपने फैक्ट्स वन बाय वन गिनाते जाती है कि वो मिस्टर शंकर के घर के रूम नंबर 10 में रहते हैं, और वो कितने साल से रह रहे हैं, एक साल से रह रहे हैं, और उसके बाद कहती है वो कोई काम नहीं करते हैं, दिन भर अपने रूम में बैठे रहते हैं. The kids in Shankar house and even some of the grown-ups are scared of him. The Shankar house में बच्चे हैं और कुछ जो बड़े हैं वो भी मिस्टर नाथ से क्या है, scared means डर के रहते हैं, डरते हैं. Number 8, he has no visitors except for a spectacled, fair, fat man who visits him on Sundays for lunch. और उनका कोई दोस्त नहीं है सिवाय एक उस आदमी के जो कि हर संडे को लंच पे आता है. नंबर 9, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स. और सीढ़ी के नीचे जो रेस्टोरेंट है वहाँ से मिस्टर नाथ के लिए चाय और खाना जाता है, और वो कौन लेके जाता है, रमेश लेके जाता है. ही डजंट केयर व्हाट ही ईट्स, पेज हिज बिल इमीडिएटली एंड टिप्स वेल. दैट एंड्स माय लिस्ट. आई हैव फॉरगॉटन एनीथिंग. 7, माया बोलती है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या खा रहे हैं, वो जल्दी से अपना बिल पे करते हैं और टिप भी देते हैं और अपना खाना रिसीव करते हैं. उसके बाद यहाँ पे माया की लिस्ट एंड होती है फैक्ट्स की, और वो 7 से पूछती है कि क्या मैंने कोई चीज़ छोड़ दी है या मैं कोई चीज़ यहाँ पे कोई फैक्ट लिखना भूल गई हूँ. निशाद हैड ऑब्वियसली नॉट बीन पेइंग टू मच अटेंशन टू माई लिस्ट ऑफ फैक्ट्स. माया क्या कहती है, निशाद को बहुत ज़्यादा सीरियस होकर वो मेरे जो फैक्ट्स की लिस्ट थी उस पर अटेंशन नहीं देता, मीन्स ध्यान नहीं देता है. ऑल ही कुड सेज वॉज पुअर मैन माया, ही मस्ट बी सो लोनली इफ ही डजंट हैव एनी फ्रेंड्स. और वो बस एक ही चीज़ कहता है कि बेचारे आदमी, वो कितने अकेले होंगे क्योंकि उनके पास कोई भी फ्रेंड नहीं है. हाउ कैन अ क्रूक हैव फ्रेंड्स इडियट. आई ऑलमोस्ट शाउटेड. माया थोड़ा सा गुस्से में अनॉयड होके, मीन्स परेशान होके, चिल्ला के, झुझला के क्या कहती है, तुम बेवकूफ हो, किसी क्रिमिनल का कोई कैसे दोस्त हो सकता है. एटलीस्ट ही हैज़ नो फ्रेंड
द वन हु मीट्स हिम ऑन संडेज, सेड निषाद. निषाद कहता है कि चलो कुछ नहीं तो कम से कम उनके पास एक दोस्त तो है जो कि उन्हें हर संडे मिलने आता है. अ ब्रिलियंट थॉट अकर्ड टू मी जस्ट देन. और तुरंत ही माया के दिमाग में नया आइडिया आता है. दैट मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ्स कंप्लाइंस इन क्राइम. और मिस्टर नाथ के जो फ्रेंड है वो क्या कहती है माया कि वो ज़रूर उनके क्रिमिनल पार्टनर होंगे, भाई क्राइम पार्टनर होंगे. उनकी जो भी बुरी चीज़ें हैं या क्राइम चीज़ें हैं जो उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं उसमें साथ देते होंगे उनका. मे बी ही कैप्स ऑल द लूट एंड कम्स नाउ एंड देन टू गिव अ पार्ट ऑफ इट टू हिज पार्टनर. तो माया क्या कहती है कि मे बी जो लूट होती है वो यहाँ रखी जाती है और उसके बाद वो दोनों पार्टनर हो क्राइम में और जो लूट होती है उसका बंटवारा करने के लिए हर संडे को मिस्टर नाथ के पास आते हूँ. मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसेस, खर्च के लिए मिस्टर नाथ के पास से पैसे लेने के लिए वो आते होंगे. दैट्स इट, आई एम श्योर आई एम राइट. और फिर माया बोलती है कि बस बहुत हुआ, मुझे पता है कि मैं सही हूँ. इफ़ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम अ क्रिमिनल आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू डिस्कस एनी थिंग विथ यू, माया सेड निषाद एंग्रीली. तो माया से कहता है निषाद कि अगर तुम्हें लगता है कि मिस्टर नाथ एक क्रिमिनल है तो मैं इस बारे में तुमसे और कोई बात या डिस्कशन करना नहीं चाहूँगा. निषाद थोड़ा गुस्से में आके माया को रिप्लाई करता है. ही कांट बी सच अ बैड मैन इफ ही गिव्स रमेश सच जनरस टिप्स. वो इतने बुरे आदमी भी नहीं हो सकते हैं अगर वो रमेश को टिप्स वगैरह देते हैं खाने के बाद. जो रमेश आता है तो जो उनकी सर्व करता है या हेल्प करता है वो सर्विस देता है उसके लिए उन्हें वो जो टिप्स देते हैं तो क्रिमिनल्स के टिप वगैरह नहीं दिया करते हैं. तो अगर वो टिप दे रहे हैं तो इतने बुरे नहीं है जितने की तुम बोल रही हो. रमेश प्रोबेबली नोज समथिंग अबाउट हिज पास्ट. रमेश ज़रूर कुछ ना कुछ उनके पास्ट के बारे में जानता होगा, इसीलिए वो उन्हें शांत करने के लिए मीन्स रमेश को मुंह बंद करने के लिए उसे टिप्स देते हैं. फिर माया ने ऐसी बात बोली. अब क्या हुआ, निषाद का गुस्सा एकदम आसमान पर चढ़ गया. निषाद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया. निषाद ग्लेयर्ड एट मी विद हिज आर्म्स टाइटली क्रॉस्ड अक्रॉस हिज चेस्ट. आई वॉज बिगनिंग टू गेट फेड अप विद हिम. मैं अब उनसे परेशान हो चुकी थी. हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विद आर इन्वेस्टिगेशंस इफ यू टेक दैट एटीट्यूड सेवन. फिर माया कहती है हम इन पर ऐसे कैसे कोई इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं या अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाएंगे अगर तुम इस एटीट्यूड में बात करोगे या इस एटीट्यूड में रहोगे तो. आई विल कोऑपरेट ओनली इफ यू गिव अप दिस आइडिया अबाउट हिम बीइंग एन एस्केप्ड क्रूक सेड सेवन. तो सेवन क्या है, वो कहता है कि मैं तभी तुम्हारे साथ इन्वेस्टिगेशन में रहूँगा या पार्टिसिपेट करूँगा जब तुम ये आइडिया छोड़ दोगे कि मिस्टर नाथ एक क्रिमिनल हैं और वो यहाँ पे छुप कर बैठे हुए हैं. You really make me angry. तुम सच में मुझे गुस्सा दिला रही हो. I almost hit him. I make you angry. You stupid. Oof. I shouted. You make me mad. तो जो मतलब इन दोनों भाई बहनों में निषाद और माया में अच्छी खासी लड़ाई हो जाती है मिस्टर नाथ को लेके. तो माया कहती है मैं बस उसे मारने ही वाली थी, वो मुझे इतना ज़्यादा एंग्री कर दिया था. What is the point of all these inquiries if he is not a crook? इन सारी इंक्वायरीज़ का क्या मतलब है या इन सारे पॉइंट्स का क्या मतलब है अगर वो एक क्रिमिनल नहीं है तो. इफ़ यू थिंक ही इज़ अ नोबडी व्हाट्स द आइडिया ऑफ बॉदरिंग अबाउट हिम प्लीज टेल मी. निषाद लुक्ड थॉटफुल. आई वुड लाइक टू फाइंड आउट व्हाई ही इज़ सो थिन एंड व्हाई ही इज़ सो लोनली. आई वॉन्ट टू नो व्हाई ही डजंट हैव एनी फ्रेंड्स एंड लिव्स अलोन. माया कहती है इन सारे पॉइंट्स का या इन सारे फैक्ट्स का क्या मतलब है अगर वो एक क्रूक नहीं है तो. अगर तुम्हें लगता है ऐसा कि वो एक नॉर्मल पर्सन है जैसे कि बाकी लोग हैं तो फिर क्या चीज़ है जो तुम्हें इतना बॉदर कर रही है, परेशान कर रही है, प्लीज़ मुझे बताओ. तो निषाद कहता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो इतने दुबले क्यों हैं, उनका शरीर ऐसे बीमारों जैसा क्यों है, वो अकेले क्यों रहते हैं. मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि उनके कोई दोस्त क्यों नहीं है और वो अकेले क्यों रहते हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड सेवन आई टोल्ड हिम. फिर माया कहती है समझने की कोशिश करो. इफ ही इज लिव्ड इन शंकर हाउस फॉर अ ईयर एंड हैज नॉट मेड अ सिंगल फ्रेंड देयर इज समथिंग रॉन्ग. अगर वो शंकर मिस्टर शंकर के हाउस में रह के आज तक एक भी फ्रेंड नहीं बनाए पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है.
So what next happens? He is obviously scared that someone will recognize him and give him up to the cops. और माया क्या कहती है कि उन्हें पक्का किसी का डर होगा कि कोई उन्हें पहचान जाएगा और उनसे कॉप मींस पुलिस के गिरफ्त में दे देगा, इसलिए वो खुद को किसी से ना मिलने देते हैं ना बात करते हैं और अपने रूम में खुद को बंद करके रखते हैं. मे बी नो वन ट्राइड टू मेक फ्रेंड्स विथ हिम. निषाद प्रोटेस्टेड, निषाद माया को रोकते हुए मीन प्रोटेस्ट करते हुए मीन्स उसके अलग जाते हुए उससे अलग जाते हुए कहता क्या है, मे बी कि किसी ने उनसे दोस्ती करने की कोशिश ही ना की हो. ये भी तो हो सकता है ना कि मिस्टर नाथ से किसी ने कॉन्टैक्ट करने की या दोस्ती करने की कोशिश ना की हो. आई डोंट केयर, सेड निषाद स्टबर्नली. I like him and I'm going to try and be his friend. तो निषाद कहता है कि मुझे इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है, मुझे इतना पता है कि मैं उन्हें पसंद करता हूँ और मैं जा रहा हूँ उनसे दोस्ती करने. मैं ट्राई करूँगा, कोशिश करूँगा कि मैं उनसे फ्रेंडशिप कर सकूँ. ओके, फ्रेंड्स विद अ क्रूक. हाँ हाँ, यू आर क्रेजी सेवन. माया कहती है कि तुम एक क्रिमिनल से दोस्ती करोगे, तुम पागल हो सेवन. The cops will take you to jail with him. Do you want that to happen, you idiot? पुलिस तुम्हें भी मिस्टर नाथ के साथ जेल ले जाएगी, क्या तुम चाहते हो कि ऐसा हो? निषाद merely glared at me and quietly walked out of the room. Merely glared means घूर के मुझे देखा और चुपचाप रूम से बाहर चला गया. My theories seemed to have made no impression on him at all. और क्या होता है कि जो माया क्या कहती है कि मेरी जो भी थ्योरीज या फैक्ट्स थे वो बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं किए. किसको नहीं अफेक्ट नहीं किए? निषाद के इम्प्रेशन को या निषाद के थॉट को, जो मिस्टर नाथ को लेके निषाद के थॉट थे उसे बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं किए. सो दिस वाज द स्टोरी रिटन बाय शारदा द्विवेदी फ्रॉम द ब्रोकन फ्लूट. सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस स्टोरी.